हाय गाइस, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने त्योहारों की खुशी को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का हलवा विद अनिक घी। अनिक घी बनाएगा हमारे इस डिश को और ज्यादा स्वादिष्ट, क्योंकि ये है शुद्ध, दानेदार और खुशबूदार। पिछले 55 सालों से ये है सबका ट्रस्टेड ब्रांड एंड आई रिलाय ऑन इट। तो सबसे पहले हम बॉईल किए हुए 3 बड़े आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप। हम एक प्री हीटेड गरम पैन में 4 बड़े टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ अनिक देसी घी, क्योंकि ये मेरा ट्रस्टेड ब्रांड है। अब इस गरम देसी घी में हम ऐड करेंगे हमारे कद्दूकस किए हुए आलू, और हमें इस आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक रेगुलरली भूनना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे ये भुने हुए आलू का कलर तकरीबन कुछ कुछ गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब हम इसमें बूरा डालेंगे या पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अब हम अपने आलू और बूरे को और अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि शुगर भी कैरेमलाइज हो, और जब ये कैरेमलाइज होगी तो ये भी अपना कलर इनपुट करेगी और हमारा हलवा जो है वो बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसी हुई इलायची, जो इसमें बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे हलवे का कलर बहुत ही अच्छा ब्राउन हो गया है और अब ये घी छोड़ने लगा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड करूंगी बादाम, किशमिश और काजू। नाउ दैट अ हलवा इज रेडी, अब हम इसे सर्व करेंगे, और सर्व करने के बाद आप इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैं इसे गार्निश करूंगी पिस्ता और बादाम से। तो अब हमारा हलवा बनके रेडी हो चुका है, टाइम है इसे चख के देखने का ये कैसा बना है। सुपर यम्मी एंड डिलीशियस, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है।